दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में हिजाब से शुरू हुआ विवाद धर्मांतरण के बाद दालों के एक्सपोर्ट तक पहुंच गया है। गंगा जमुना दाल मिल की दाल सऊदी अरब, यूएई, यूनाइटेड नेशन अमीरात तक एक्सपोर्ट होने की जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। स्कूल के संचालन से जुड़ी शिकायतों में पेट्रोल पंप, बीड़ी कंपनी गंगा जमुना, बीड़ी कंपनी 352, संभाग और प्रदेश स्तर पर तेंदुपत्ता का व्यापक काम, भोपाल में कपड़ा कारखाना, हार्डवेयर कार्य, रेत खनन, करीब 1800 एकड़ इलाके में भूमाफिया के रूप में सक्रियता, बड़े स्तर पर भूमाफिया के तौर पर फंडिंग और 300 एकड़ जमीन शहर के आसपास बताई गई है। गंगा जमुना स्कूल के संचालकों की अब विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि एक्सपोर्ट के बाद भी जो मामले सामने आ रहे हैं उसके चलते इसे एनआईए की जांच के लिए फिलहाल नहीं भेजा जा रहा है। इस बारे में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फिलहाल राज्य पुलिस अपने स्तर पर जाँच कर रही है। यदि इस मामले की जाँच के लिए एनआईए ने संपर्क किया तो राज्य सरकार उनका सहयोग करेगी। सामान्य तौर पर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, टेरर फंडिंग या इससे जुड़े, तो राष्ट्रीय एजेंसियां उसकी जांच करती हैं। गंगा जमुनी स्कूल जो है, इसमें अभी इस तरह की के लिए राष्ट्रीय एजेंसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है। अगर कोई संपर्क करेगा तो राज्य की पुलिस पूरा सहयोग करेगी।